हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल टेक कमलेश में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इंस्टाग्राम के अंदर जो एड्रेस डालते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पर बायो के नीचे हमें एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये एड्रेस आप कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। तो ये आप कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर ये ऑप्शन आता ही नहीं है। तो इस ऑप्शन को आपको कैसे लाना है और कहां पर डालना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं उस अकाउंट पर जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार से वो ऑप्शन आ रहा था। तो चलिए, मैंने अकाउंट को अभी मतलब बिल्कुल नॉर्मल कर लिया, जैसे कि सभी यूजर रखते ही हैं। या फिर आप क्रिएटर अकाउंट है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर नॉर्मल है, आपका कोई भी क्रिएटिव या बिजनेस नहीं है, तो मैं आपको उस अकाउंट के बारे में अभी बताने वाला हूँ। तो आपको उसके अंदर क्या सेटिंग करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको चले जाना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट्स का, इस पर आपको आ जाना है। और यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा ऑप्शन स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जल्दी से कंटिन्यू पर क्लिक करके और यहाँ पर आपके हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। और मैं वीडियो क्रिएटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्रिएटर या बिजनेस, तो आपको यहाँ पर ये आप बिजनेस करोगे तभी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्रिएटर नहीं करना है और यहाँ पर आपको बिजनेस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है फिलहाल के लिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको डाल देना है अपना एड्रेस, जो भी डालना चाहते हो आप वो आप यहाँ पर डाल सकते हो और यही आपको वहाँ पर शो होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे कैंसिल करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम बाद में डाल के आपको बताने वाला हूँ। स्किप पर क्लिक कर देना है। और तो अब आपको क्या करना है, प्रोफेशनल अकाउंट आपका बन चुका है और यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट मोर ऑप्शन पर इस पर आ जाना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ईमेल, मोबाइल नंबर और बिजनेस एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो आपको बिजनेस एड्रेस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना एड्रेस जो मैं डालना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मनपसंद अपने हिसाब से एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जहाँ से भी हो वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं फिलहाल यहाँ पर जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देना है आपको जयपुर पे। और यहाँ पर आपको अगर हटाना चाहते हो तो यहाँ पर रिमूव एड्रेस है, इस पर हटा सकते हो। राइट पर क्लिक कर देना है फिलहाल। और मैं यहाँ पर अगर व्हाट्सअप नंबर भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले पर दिखाना चाहते हो तो यहाँ से राइट कर देना है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप दोस्तों ध्यान देना, अगर आप नंबर नहीं दिखाना चाहते हो तो नंबर और ईमेल हटा भी सकते हो। तो इसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एड्रेस है, जो भी मैंने अभी वहाँ पर डाला था वो यहाँ पर शो होने लग गया है। तो अगर आपको फिर इसे हटाना है तो यहाँ से आपको क्या करना है, तो आपको आ जाना है यहीं पर कॉन्टेक्ट ऑप्शन पर और यहाँ से आपको इसे रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद और इसे भी ऑफ कर देना है डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इनपुट पर और राइट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ से वापस हट चुका है। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। लेकिन दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि मैं अभी इसे मतलब पर्सनल क्रिएटिव अकाउंट बना के आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रिएटर अकाउंट मैं आपको एक बार बता के करके बता रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो जैसे मैंने क्रिएटर अकाउंट पर क्लिक किया और वो बना दिया, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा कॉन्टैक्ट ऑप्शन पर, तो यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, अगर आपका क्रिएटर अकाउंट है तो आपको सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्विच अकाउंट टाइप पर क्लिक करके यहाँ पर बिजनेस अकाउंट इस पर स्विच कर लेना है। और जैसे ही आप स्विच करोगे, स्विच होने के बाद आप देखोगे कि आपको, जैसे मैं जाता हूँ इस पर, तो यहाँ पर देखिए बिजनेस एड्रेस आ चुका है और यहाँ से मैं अपना एड्रेस डाल सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।